तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑल न्यू ग्रैंड विटारा के बारे में। अब नई ग्रैंड विटारा मारुति की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की, और यहाँ ये स्ट्रांगली कम्पीट करने आ रही है किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा के साथ। आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे ये गाड़ी में आपको क्या खास मिलता है, अपने सेगमेंट में ये कैसे एक तरीके से किंग की तरह देखी जा रही है, क्योंकि आपको उसमें स्ट्रांग हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया है, माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही सबसे ज़्यादा मैं कहूँ जो इंडिया में रिक्वायरमेंट रहती है ऑल ग्रिप की, उसको भी ऑफर किया गया है। सब कुछ देखेंगे। जो कलर ऑप्शन आपके सामने है ये है इसका ब्राउन शेड, जिसको मारुति कह रही है चेस्ट नट ब्राउन। देखिए इस गाड़ी के डायमेंशंस को, बहुत ही ज़्यादा शानदार डायमेंशंस दिए गए। मतलब जो ना मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लोगों की एक शिकायत रहती है कि गाड़ी तो बड़ी हो जाती है लेकिन स्पेस नहीं मिल पाता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसकी ओवरऑल लंबाई है 4345 मिलीमीटर, जो कि इसको बहुत ही बढ़िया कंटेंडर बना रही है अपने सेगमेंट का। साथ ही जो अलॉयज है उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और आज ना एक और बहुत ही खास बात हुई है, अब देखिए जो टोयोटा हाइराइडर है उसकी प्राइसिंग भी रिवील्स हो चुकी है, क्योंकि उसमें भी आपको सिमिलर टेक्नोलॉजी मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके वेरिएंट जो स्प्रेड आउट है वो बिल्कुल डिफरेंट है मारुति के मुकाबले, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सामने आ चुकी है कि जो इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लाइनअप है वो बहुत ही ज़्यादा वेल फॉर मनी, मैं कहूँ 15 से लेकर 18 लाख के बीच में स्टार्टिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। साथ ही अगर आप पूरे वेरिएंट वाइज को समझेंगे ना, इसमें आपको टोटल 6 वेरिएंट ऑफर किए गए, जहाँ बेस मॉडल है जिसका नाम है सिग्मा वेरिएंट, उससे ऊपर है डेल्टा वेरिएंट, फिर है जीटा वेरिएंट, फिर उससे ऊपर जीटा प्लस, साथ ही अल्फा और अल्फा प्लस भी ऑफर किए गए। अब अगर आप मैनुअल ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर ऑल ग्रिप समझना चाहते हैं तो मैनुअल में आपको उसमें टोटल 4 वेरिएंट्स ऑफर किए गए, अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो आपको 3 वेरिएंट ऑफर किए गए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको केवल 2 वेरिएंट ऑफर किए गए, अगर आप ऑल ग्रिप लेना चाहते हैं तो आपको सिंगल वेरिएंट ऑफर किया गया है, जो कि अभी आपके सामने है, जो कि इसका अल्फा वेरिएंट है ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी के साथ। साथ ही इसके फ्रंट के प्रोफाइल को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी शानदार काम किया है, बहुत ही बोल्ड लुक दिया है इसको, मैं कहूँ बहुत ही बढ़िया, हर कोई पसंद कर रहा है इसे। मतलब ऐसा है ही नहीं कि लोग ये कह रहे हैं कि इसके लुक्स में और काम किया जाना चाहिए था, बढ़िया काम किया है। साथ ही देखिए क्या क्या ऑफर किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सुजुकी का बड़ा सा लोगो ऑफर किया गया है, साथ ही यहाँ पर डबल आपको क्रोम में कुछ ग्रिल ऑफर की गई है, साथ ही यहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑफर किए गए। अभी इसका अल्फा वेरिएंट है तो आपको 360 कैमरा आपको ऑफर किया गया है, साथ ही जो क्रोम के एलिमेंट्स है वो सब आप देखेंगे। ये जो आपने पहले बलिनो में देखा था ना 3-पॉट DRL डिज़ाइन, सिमिलर है, जो कि डुअल फंक्शन करता है DRL का भी और टर्न इंडिकेटर का भी। नीचे आपको सिंगल एक प्रोजेक्टर ऑफर किया गया LED का, इसमें कोई भी आपको फॉग लैम्प का फंक्शन नहीं है, जो हेडलैम्प है उसी को अकॉर्डिंगली प्लेस किया गया, जो कि डुअल फंक्शन काम करे। और ये है गाड़ी की साइड की प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल से गाड़ी बहुत बड़ी लग रही है, मतलब एक सेगमेंट में एक प्रीमियम अपील है गाड़ी में, मतलब जो चाहिए कस्टमर्स को पूरा पूरा मिल रहा है। अलॉयज का साइज़ भी मतलब मैं कहूँ जो रिक्वायर्ड था बिल्कुल दिया गया है, 215/60 सेक्शन रेडियल 17 का है, 17 इंच का अलॉय, बहुत सही लग रहा है। काफ़ी कंपनीज आप देखेंगे कि 16 ही ऑफर करती है, यहाँ पर आपको पूरा 17 इंचेस ऑफर किया गया है। और इसका जो डिज़ाइन है ना वो भी बिल्कुल एक क्लासिक लुक दिया गया है इसे, ज़्यादा फंकी नहीं है, ज़्यादा सोबाजी आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड था वो ऑफर किया गया है। जो व्हील क्लैडिंग देखेंगे वो भी बिल्कुल ऐसा है जितना इस गाड़ी के हिसाब से था उतना ही दिया गया है। इसका जो सबसे बड़ी USP वाली पॉइंट है वो है इसकी सनरूफ, जो कि मैं कहूँ सेगमेंट में मच अवेटेड फीचर था मारुति की तरफ से, और ये मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें आपको एक बड़ी पानोरामिक सनरूफ दी गई है, जिसका अपर्चर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, काफ़ी इजीली आप इससे बाहर निकल सकते हैं, जो कि चलती गाड़ी में तो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑफर किया गया है, जिससे आपको एक मैं कहूँ एक डिलाइटिंग फीचर हो जाता है और बढ़िया भी लगता है। ये कुछ आपने देखा फिर गाड़ी को बाहर से, फ्रंट में भी देखेंगे एडिशनल पार्ट, यहाँ पर कुछ ये स्किड प्लेट ऑफर की है, जो कि थोड़ा सा ना एक ग्रे मटेरियल ऑफर किया गया, थोड़ा सा टेक्सचर है, और जो कि प्लास्टिक ऑफर किया गया। अब बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस का फिगर अभी मारुति ने ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है, लेकिन फिर भी 200 मिलीमीटर की रेंज में ग्राउंड क्लियरेंस आप इसका देख सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को ना जो ब्रेजा का प्लेटफॉर्म है उसी को थोड़ा और ज़्यादा स्टिफन करके और एक्सटेंड करके ऑफर किया गया है, और जो ऑलरेडी सेफ्टी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है तो उस अकॉर्डिंगली काफ़ी अप्रोप्रिएट लगेगा, काफ़ी इनफ लगेगा। तो ये कुछ है, बाकी गाड़ी में जो 360 डिग्री कैमरा है उसके मॉड्यूल्स यहाँ प्लेस किए गए, ये इसके टर्न इंडिकेटर्स आप देखेंगे। अभी शोरूम के अंदर की लाइटिंग्स में कलर काफ़ी निखर के आ रहा है इसका, बढ़िया लग रहा है, सनलाइट में और बढ़िया लगेगा वो दिखाएंगे। अब स्टार्टिंग ना मैंने इसके रियर से करी थी, जो कि मारुति ने सच में बहुत डिटेल से काम किया है, यहाँ भी काफ़ी कंपनीज आगे अच्छा बनाती है पीछे भूल जाती है, लेकिन पीछे भी अच्छी तरीके से पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑफर किए गए, जो आपको बढ़िया सा टेल लैम्प के लिए एक लाइट बार दिया गया वो एक्सटेंड होता है। साथ ही ये पूरी बॉडी की आप लाइंस देखेंगे, जो कि नीचे आपको हैलोजन में दिया गया टर्न इंडिकेटर, ये इसका रिवर्स का फॉग लैम्प, और ये नॉर्मल रिफ्लेक्टर है।
ये क्योंकि ऑल ग्रिप वेरिएंट है तो इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही देखते हैं इसके नीचे क्या सारा मैकेनिज्म आपको दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे इसका जो नीचे सारा का सारा 4x4 ऑप्शन है, तो इसके जो पीछे के एक्सल हैं उसमें भी पावर मिलती है। तो इसका रियर का आप पूरा डिफरेंशियल देख सकते हैं। जो सस्पेंशन है उसकी आपको जो पूरी टेक्नोलॉजी दी गई है वो भी टॉरिजन बीम है, मल्टीलिंक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी देख सकते हैं आप। और जो बीच में प्रॉपलर शाफ्ट है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ की आप देख पाएंगे, जो कि सेंटर में हम नोटिस करेंगे। साथ ही अच्छी कवरिंग की गई है बीच में यहाँ पर था। और ये इसका पूरा मफलर देखेंगे जो कि ये ऑफ़र किया गया। बाकी ये रही फिर गाड़ी, यहाँ से ऊपर एक शाफ्ट की एंटीना ऑफ़र किया गया है। और यह है गाड़ी के पूरे प्रपोर्शंस। अब प्राइसिंग सेंस में देखी जाए ना, बेस मॉडल इसका 10 लाख के नीचे स्टार्ट होगा, जिससे एक मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मनी डील बनेगी। और अगर आप क्रेटा सेल्टॉस की बात करें तो उन गाड़ियों को ये गाड़ी लगभग 1 लाख के आसपास अंडरकट करेगी, जिससे बजट में भी गाड़ी आएगी। और एक तरीके से फ्यूल इकोनॉमी फिगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा माइलेज वाला क्वोशेंट भी इसमें ही मिलता है आपको। तो ये कुछ आपने देखा इसके बाहर से। और एक और चीज़ जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है, जो कि टोयोटा की तरफ से एक तरीके से पार्टनरशिप की गई है सुजुकी के साथ, जो कि फ्यूल इकोनॉमी फिगर 27.97 km/L के साथ आया है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जिसको एक फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया डील बनती है। तो बाहर से मैंने लगभग आपको सब कुछ दिखा दिया है। एक बार अगर आप यहाँ से भी देखेंगे ना अंडरबॉडी, तो अंडरबॉडी देखिए क्या है भाई साहब इसका। तो जो प्रॉपर शाफ्ट है यहाँ से आपको नहीं दिख सकती क्योंकि वो बिल्कुल कवर होके जाती है, लेकिन जब थोड़ा पीछे पीछे आ जाती है तो वहाँ पर आप इसका ट्रांस एक्सल देख सकते हैं, जो कि वो है। और जो डिफरेंशियल है वो पार्ट नीचे दिया गया है। और ये पूरी कवरिंग मिलेगी आपको साइड में, पूरी क्लैडिंग वाला पार्ट है जो कि ऐसा कुछ है। बॉडी में काफ़ी कट्स एंड क्रीजेज हैं, जिससे बॉडी के जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया लगेंगे। कोपैसेंजर साइड भी आपको एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है। साथ ही की बात करें तो की कुछ ऐसी आपको ऑफर की गई है, नॉर्मल है जैसे मारुति की। बाकी आपको नेक्सा लाइनअप ले लीजिए या फिर ब्रेजा लाइनअप है वही है। बट जो सबसे बढ़िया काम किया है वो है इस गाड़ी के इंटीरियर में, जो कि ये आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया इंटीरियर लगेंगे। ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये सबसे पहले आप ब्रेजा और बलिनो में देख चुके हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ भी बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस साइड देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, जैसे बाहर का शेड है बिल्कुल मैच कर रहा है उसके साथ, ब्राउन शेड है, कुछ स्टिचिंग ऑफर की गई है, कुछ यहाँ पर पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है और इतना स्पेस है। आग में इसका साउंड सिस्टम ऑफर किया गया। और ये है कुछ गाड़ी मेन, चलते ड्राइवर साइड से, वहाँ से आपको दिखाते हैं क्या कुछ ऑफर किया गया इसमें। इस साइड आते हैं तो यहाँ पर देखिए ना एक और जो विंडो लाइन है उसमें आपको कुछ क्रोम बिडिंग दिखेगी पूरी। ऊपर रूफ रेल मैंने आपको बताई नहीं, ये ब्लैक में मिलने वाली है आपको, जो कि एल्युमिनियम अलॉय है। अब इसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है वो नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी स्टार्टी लग रही है। तो आइए ड्राइवर साइड अगर देखें तो यहाँ से पूरा, अगर अंधेरे के टाइम पर थोड़ा ना इसका इंटीरियर को समझने की कोशिश करें तो काफ़ी वेल लिट लगेगा। जो फॉन्ट है ये आपको जाने पहचाने लगेंगे, जो कि पहले मिल चुके हैं। जो सेंटर कंसोल है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो मेन काम कर रहा है ना ये जो सॉफ्ट टच मटेरियल है बहुत शानदार बढ़िया लग रहा है। अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लू हाइलाइट्स मिलेंगे, जिससे लगेगा कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको यहाँ ऑफर की गई है। और ये है इस पूरे इंटीरियर की एम्बियंस, अच्छी कुशनिंग अच्छी तरीके से बना के दिया गया। जो कुशनिंग का पार्ट है बढ़िया लेवल का लगेगा। साइड में ब्लास्टिंग देखेंगे बढ़िया तरीके से की गई है, साथ ही इस साइड भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रॉपर क्लैडिंग है वो थोड़ा ना गाड़ी को रगेड और थोड़ा बोल्ड करेक्टर देने में और मदद करती है। किसी भी तरह की आपको पावर टेलगेट पावर सीट्स नहीं मिलती है, नॉर्मल टाइप दी गई है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम आ गए इस गाड़ी के इंटीरियर में, यहाँ पर समझते हैं क्या क्या चीज़ है। अब ये ना इसका ऑल ग्रिप वेरिएंट है, तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इससे एक तरीके से माइल्ड ऑफ रोडिंग या फिर ऐसा जहाँ पर ज़्यादा आपको ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा और ये अल्फ़ा वेरिएंट के साथ ही मिलता है, आपको कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, ना ही आप इसको बेस वेरिएंट में ऑप्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको अल्फ़ा में ही दिया जाएगा। प्राइस के अगर एस्टिमेशन लेंगे तो लगभग 17 से 18 लाख में आपको एक शोरूम कॉस्ट हो जाएगा, और ऑन रोड ये गाड़ी लगभग 20 से लेके 21 लाख रुपए के रेंज में जाने वाली है। अब इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी दी गई है, इसमें आपको स्नो मोड मिलता है, स्पोर्ट्स मोड है, साथ ही जो पीछे के एक्सल है उनको आप लॉक कर सकते हैं, जो कि यहाँ से जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही होने वाला है। यहाँ पर देखिए स्नो मोड है तो हम इसको लॉक करेंगे तो जो एक्सल्स हैं वो लॉक हो जाएंगे, तो अगर आप ऐसे कुछ स्लिपरी कंडीशन में हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसमें सारा का सारा ना इलेक्ट्रॉनिक स्लिप डिफरेंशियल का यूज़ किया गया है, जो कि हर एक व्हील की स्लिपेज को डिटेक्ट करता है, जो ABS का सेंसर है उसी के साथ मिलकर काम करता है, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी व्हील ज़्यादा स्लिप कर रहा है उसको ब्रेक करके उसके जो अगेंस्ट
अगला एक्सल में व्हील है उसको टॉर्क ट्रांसमिट करता है, जिससे बढ़िया ग्रिपिंग मिलती है। इसकी वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन ये सुजुकी का ऑल ग्रिप काफ़ी रिलायबल, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसकी वीडियोस आपको मिलने वाली बहुत जल्द, 14 तारीख को मैं इसको एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, 14 और 15 तारीख को। उसके बाद बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो पूरा सर्कुलर टाइप का स्टेयरिंग दिया गया, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आप देख सकते हैं, पूरा वॉल्यूम के सारे कंट्रोल है, टेलीमेटिक्स के सारे कंट्रोल है, साथ ही जो टिल्ट और टेलीस्कोपिक फंक्शन है वो प्रॉपरली ऑफर किया गया। इसमें क्या क्या कंट्रोल है देखेंगे तो लाइट्स के बेसिक कंट्रोल है, मोशन अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं या फिर कॉर्नरिंग कर रहे हैं, टॉर्क ऑफ पावर ये बताता है, साथ ही एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, इंजन, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो दी ही गई है जो कि सुजुकी की अपनी टेक्नोलॉजी है। ऑल व्हील ड्राइव आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ नहीं मिलता, ये हर कोई जान रहा है। सिर्फ आपको जो सुजुकी का माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है, K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन, जो कि 103 हॉर्स पावर बनाता है और 136 Nm का टॉर्क है, माइलेज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, रिलायबिलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, और इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से इनफ है एक तरीके से। ज़्यादा अगर आप पुश करना चाहते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो बहुत इनफ है। तो उसका यहाँ पर आपको एनिमेशन दिया गया कि जो आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग या फिर थोड़ा सा टॉर्क असिस्ट, वो सारे फंक्शन जो ये सपोर्ट करता है वो आपको वहाँ पर एनिमेशन के थ्रू शो करेगा। फिट ऑफ फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल काफ़ी बढ़िया लगेगी। डोर थर्ड देखेंगे तो एक तरीके से ठीक फील होगा आपको, जो मतलब ना ब्रेजा में हम फील करते हैं उसी लेवल का, मतलब ठीक है, उसमें भी कोई ऐसा शिकायत नहीं, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी भी एनकैबरेटिंग ठीक ही रही है। और यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे जो सिल्वर एक्सेंट और ये सारी चीज़ें हैं, बढ़िया बनाती है इसको। और यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स दिया गया, थोड़ा छोटा साइज का है लेकिन ऑफर किया गया है। उसी के साथ कोई भी कूलिंग और लाइटिंग का फंक्शन यहाँ नहीं नोटिस किया जा रहा है। और ऊपर देखेंगे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स के यहाँ पर हेलाइट्स दिए गए, उसी के साथ यहाँ पर कुछ पियानो ब्लैक हेलाइट दिए गए। ऑटोमेटिक एसी की कंसोल यहाँ मिलेगी, उसके साथ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको ऑफ कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आती है इसमें, तो ट्रैफिक में गाड़ी अगर आप चाहते हैं कि बार बार बंद ना हो, जो कि आपके माइलेज को बढ़ाएगा, लेकिन आप चाहे बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी स्मूथनेस आपको फील होगी, बार बार गाड़ी बंद नहीं होगी, एसी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर चार्जर दिया गया, यूएसबी के फंक्शन यहाँ है। ये इसका वही 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। गियर लीवर भी जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, जो कि बलिनो और इन गाड़ियों में ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है, इसलिए मारुति बार बार यूज़ करती है। साथ ही यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया, जो कि स्लाइडेबल फंक्शन, इवन उसके नीचे भी थोड़ा स्पेस मैं देख पा रहा हूँ। अब मेरा अगर आप हेडरूम देखेंगे, हेडरूम वाइज, शोल्डर रूम वाइज गाड़ी में कोई शिकायत नहीं है। अब इसका जो जस्ट एक सैबलिंग है जो कि हेराइडर है, उसमें थोड़ा डिज़ाइन ऐसा है कि थोड़ा पीछे स्लोपिंग रूफ जाती है। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि थोड़ा बोल्ड करेक्टर है, तो लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एसयूवी क्लास को ज़्यादा बोल्ड होना चाहिए, जो कि मारुति ने बहुत सही डिसीजन किया है ऐसा काम करके। साथ ही आप देखेंगे ना, बॉनेट विजिबल है इसमें, तो जो एक फील है आप ले सकते हैं। IRVM फुली जो ऑटोमेटिक वो दिया गया, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ, और जो पावर विंडो के जो आपको सनग्लास जो ऊपर आपको सनरूफ दी गई है पानोरामिक, उसके सारे के सारे आप यहीं से कंट्रोल करेंगे। बहुत बढ़िया व्यू ओपन हो रहा है इसका, कमांडेबल है, अच्छा दिया गया है। गाड़ी में टोटल आपको 6 एयरबैग देंगे, डुअल फ्रंटल एयरबैग्स, साइड कर्टेन एयरबैग्स, उसके साथ ABS और EBD। और अंडरथन सपोर्ट की बात की जाए तो इतना कुछ अंडरथन सपोर्ट है। एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन पे। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखिए ना, इसमें इस वेरिएंट में आपको हेडअप डिस्प्ले और ये चीज़ें नहीं मिलेगी। इसके ऊपर जो अल्फा प्लस वेरिएंट है उसमें आपको हेडअप डिस्प्ले और ये चीज़ें मिलेंगी। वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन भी वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, और एक तरीके से काफ़ी सही डिसीजन भी मुझे लगा कि 360 डिग्री कैमरा एक अगर आप ना थोड़ा माइल्ड ऑफ रोडिंग, थोड़ा सॉफ्ट ऑफ रोडिंग करेंगे तो काम आएगा आपके। गाड़ी के आसपास आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि एक्चुअल में यहाँ काम आने वाला है। साथ ही आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का भी फंक्शन देख पा रहा हूँ, तो वो भी आपकी मदद करने वाला है। गाड़ी को आराम आराम से अपने हिसाब से ब्रेक करके किसी भी टेरेन से नीचे ला सकता है। तो आइए चलते हैं इसके इंजन बे में। इंजन वही जाना पहचाना है जो आपने अर्टिगा XL6 वही देखा है ना, K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन। अपनी माइलेज और पावर का जो बैलेंस है ना, उसको बना के चलता है। 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है, सबसे बड़ी बात यह है माइलेज अच्छा देता है, वाइब्रेशंस बिल्कुल मिनिमम है इसमें, अपने सेगमेंट का सबसे रिफाइंड इंजन कहा जाता है इसे। 103 हॉर्स पावर है, पहले के मुकाबले थोड़े डीट्यून किए गए थे पावर फिगर, लेकिन माइलेज में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया था इसमें। और नीचे देखेंगे पूरी कवरिंग आ गई थी इसमें, बलिनो में भी सेम हुआ था, जब इंजन की न्यू जनरेशन आई तो नीचे अच्छी कवरिंग आ गई। वाटर कूल्ड आपको इसमें EGR मिलता है, डुअल जेट टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, उसके साथ आपको डुअल VVT मिलती है। और ABS का मॉड्यूलेटर यहाँ देखेंगे, पीछे पूरी फायरवॉल यहाँ देख सकते हैं, और सारा ECM, बैटरी कंट्रोलर, और ऊपर अच्छी खासी इंजन के लिए साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन ऑफर की गई है। बॉनेट का वेट उसी लेवल का है जैसे आपने XL6 में नोटिस किया ना, अच्छा खासा वेट है इसमें, तो ये बढ़िया लगेगा। लाइट बंद करने के बाद कुछ ऐसी दिखाई देती गाड़ी,
तो ऐसा है इसका बाहर का पूरा व्यू। एक नज़र आपको इसका सेकंड रो दिखाया था, 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं ना, जिस हिसाब का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है 27.97 KMPL का, लगभग 27 भी अगर आप मानते हैं, और अगर आप रियल लाइफ में 25 के आसपास का भी माइलेज लेते हैं, तो वो गाड़ी लगभग सिंगल फ्यूल अप में 1000 किलोमीटर चल सकती है, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। तो ये देख रहे हैं आप इसके पूरे सेकंड रोज को, सेकंड रोज भी काफ़ी सही लगी है कस्टमर्स को, जिस हिसाब से शोरूम पे गाड़ी आ चुकी, जैसे आज हमारे हल्द्वानी शोरूम पे इसको डिस्प्ले किया गया था, कस्टमर खुश थे इसके सेकंड रोज से। वो यही तक एक सजेशन दे रहे थे मारुति को कि इसमें हो सके तो एक 7 सीटर, एक 5+2 का ऑप्शन भी निकाला जाए, जो कि थोड़ा अफोर्डेबल फ्रंट में आए, लेकिन फिर वहाँ पर आपको अर्टिगा मिल जाती है, XL6 मिल जाती है, तो मारुति वो नहीं करने वाला है। लेकिन स्पेस से खुश थे लोग, तो वो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर ग्लास एरिया देखेंगे, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा पूरा आपको, यहाँ पर जो ब्राउन शेड ऑफ सॉफ्ट टच मटेरियल है वो ऑफ किया गया, कुछ पियानो ब्लैक एलिमेंट्स आप देखेंगे, साथ ही यहाँ पर कुछ आपको एक आर्मरेस्ट ऑफर किया गया, बड़े बड़े कप होल्डर दिए गए जिसको आप बंद भी कर सकते हैं, पीछे आपको एसी वेंट ऑफर किया गया जिसमें आपको नॉर्मल फंक्शनिंग है, और इसको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टाइप सी मिलता है, एक टाइप सी चार्जर, जो कि मुझे बहुत सही लगा था, उसी के साथ आपको USB-A का फंक्शन भी इनने ऑफर किया है। तो भैया ये रही गाड़ी, और ऊपर ना एक और चीज़ देखिए, 5 पैसेंजर्स के लिए आपको पीछे हेडरिंग स्टैंड ऑफर किया गया, जो कि एक और अच्छा टच लगा मुझे। अब थोड़ा प्रीमियम क्लास में मारुति जा रही है, तो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती है मारुति, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पीछे ना रूफ थोड़ी स्लोपिंग तो आती है, लेकिन फिर भी अच्छा हेडरूम में बना के चलेगी, बैठ के देखते इसमें एक बार। तो हम अगर आते हैं तो ये कुछ अपना पूरा हेडरूम शोल्डरूम आज देख सकते हैं, पीछे 2 से 3 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। परफोरेटेड सीट दी गई है, लेकिन वो नहीं है वेंटिलेशन का फंक्शन, वो इसके आपको अपर वेरिएंट, जो कि अल्फा प्लस वेरिएंट है, उसमें मिलेगा, वो भी सिर्फ फ्रंट सीट्स के साथ। फ्रंट का डैशबोर्ड और ये चीज़ आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो सनरूफ है वो बहुत बढ़िया व्यू देती है। हाँ, यहाँ से आप खड़े होके बहुत ही ईजिली ऊपर रीच कर सकते हैं, तो यहाँ से आप ऐसे पूरी सनरूफ देखेंगे। पीछे एक क्वार्टर पैनल ग्लास इन ऑफर करा है, जो कि ऐसा है, और पीछे लाइटिंग बंद करने के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट आप देखेंगे, जो कि एक ना क्लियर विजन ग्लास जो कहते हैं ना, ज़्यादा प्रीमियम टच को ख़राब नहीं करेगा। ब्लैक शेड भी है, थोड़ा स्मोक्ड आउट ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा, उसी के साथ थोड़ी एक रिफ्लेक्टर एलिमेंट भी है, तो बढ़िया लग रहा है, यानी कि दिन के टाइम भी अच्छा व्यू मिलेगा। वॉशर वाइपर जो डिफॉगर है वो तो बेसिक है, वो ऑफर किया गया, साथ ही जो बूट है वो आप देखेंगे, तो ये है इसका कुछ बूट स्पेस। अब इसमें ना एक और आएगा आपको, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें पीछे एक बैटरी को प्लेस किया जाएगा, उसमें इंजन भी अलग होगा, जो कि टोयोटा के द्वारा सुजुकी का ऑफर किया जाएगा, जो कि 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन रहने वाला है, TNGA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा। पावर फिगर की बात की जाए तो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, तो वो मोटर और इंजन दोनों मिलकर पावर बनाएंगे, करीब 115 हॉर्स पावर बनाने वाला है, और करीब लगभग वही सेम है, 141 NM के आसपास का टॉर्क रहेगा, जो कि आपने जो आपकी सेल्टोस और जो क्रेटा के पेट्रोल इंजन है उसी की रेंज में रहेगा। लेकिन उसकी खास बात यह है कि पीछे आपको 177 वोल्ट्स की बैटरी मिलने वाली है। अब वो बैटरी एक 3-फेज के इन्वर्टर को पावर करेगी, और वहाँ से करीब 500 वोल्ट के आसपास की जो AC पावर है 3-फेज की, वो फिर जाने वाली है आपकी मोटर्स के पास, जिससे आपकी गाड़ी के जो इंजन है उसको एक सप्लीमेंट्री पावर मिलेगी, और फिर वो पूरा हाइब्रिड सिस्टम काम करेगा। ये नॉर्मल है, तो इसमें बूट में कोई कमी नहीं मिलेगी, पूरा फ्लैट बूट मिलेगा, लगभग आपको 350 से प्लस लीटर के आसपास, लगभग 400 लीटर के आसपास का बूट है, अभी ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी पूरा फ्लैट है, तो बहुत आसानी से आप सामान इसमें लोड अनलोड करेंगे। नीचे एक स्पेयर टायर मिलेगा, जिसका साइज़ बिल्कुल सेम है, कोई भी छोटा नहीं किया गया, इसे 215/66 रेडियल 17 का है, स्टील रिम में दिया गया, ब्लैक शेड में है, और यहाँ पर एक प्राइमर कोटिंग मिलेगी आपको, और ऐसा पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक लगेज लैंप भी दिया गया, लेकिन आपको इसको मैनुअली ओपन करना होगा। इस साइड भी है, इस साइड आपको हुक मिलने वाला बेसिक, एक पार्सल सेल्फ आपको यहाँ दी गई है, एक आप यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम देखेंगे। तो ये तो रही आपकी ऑल न्यू ग्रैंड विटारा कहेंगे इसको। कलर शेड मैंने आपको बताया, इसका ब्राउन शेड है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं, मैं इसकी हर एक जो वेरिएंट है उसकी वीडियो भी लाएंगे, और उसी के साथ जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करेंगे, साथ ही हर एक कलर ऑप्शन भी आपसे शेयर करेंगे। आपकी क्या राय है इस गाड़ी के ऊपर? सबसे खास बात इसे बना रही है जो इसकी ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है, जो कि सेगमेंट में आपको बहुत ही रेयर कार्स ऑफर कर रही है। इवन अगर आप देखेंगे XUV700, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, साथ ही अगर आप कंपास देखेंगे वो भी बहुत एक्सपेंसिव रेंज में है, तो अगर आप बजट में देख रहे हैं लगभग 20 लाख के रेंज में, तो ये एक प्रॉमिसिंग डील आपके लिए होगी।
साथ ही ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है। मैंने आपको बताया कि 4 मैनुअल ऑप्शन दिए गए, 3 आपको ऑटोमेटिक दिए गए, 2 आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है और 1 आपको मिलेगा ऑल ग्रिप जो कि अभी आपके सामने है। और साथ ही अगर हम बात करें इसके माइलेज की, तो अगर आप 1.5 लीटर K15C सीरीज पेट्रोल इंजन लेते हैं मैनुअल के साथ, नॉर्मल मैनुअल ऑल ग्रिप वाला नहीं, तो उसमें आपको जो कंपनी क्लेम माइलेज अभी दिखाई जा रही है 21.11 KMPL है, 21 के रेंज में माइलेज क्लेम की जा रही है जो कि मैक्सिमम है इसके लिए एक तरीके से। और अगर आप इसमें ऑटोमेटिक लेते हैं जो कि 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक है जो कि मैनुअल के मुकाबले 1.5 लाख रुपये आपको एक्सपेंसिव कॉस्ट करेगा, और उसकी माइलेज फिगर अभी क्लेम की गई है 20.58 KMPL की, यानी कि बहुत ही कम डिफरेंस है अगर आप ऑटोमेटिक भी लेते हैं। और अगर आप ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी लेते हैं जो कि अभी आपके सामने है, जो कि मैनुअल के साथ ऑफर की गई है, 1.5 लीटर K15C सीरीज पेट्रोल इंजन ऑफर है, जो वो आपको माइलेज कंपनी क्लेम्ड है 19.38 KMPL का। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग अभी लग रहा है माइलेज के मामले में, वो है जो इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आने वाला है जो कि एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड है। टोयोटा का अपना 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 3 सिलेंडर का है, TNGA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, 27.97 KMPL का माइलेज वहाँ पर आप देखेंगे। उसमें मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आपको CVT का ऑप्शन मिलेगा जो कि एक ट्रांसमिशन का काम करने वाला है, जैसे CVT पहले बलिनो में आता था उसी तरह की टेक्नोलॉजी है। और अगर बात की जाए प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग सेंस में ना बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ अभी एक्सपेक्टेशन है कि मारुति से बहुत ज़्यादा कंपटेटिव प्राइस में लाएगी, क्योंकि जैसे ना आज टोयोटा हैराडर की भी प्राइस आ गई है, उसमें भी आपको केवल 4 वेरिएंट ऑफर किए गए, उसमें केवल आपको ESG और V वेरिएंट आता है। टोयोटा ने अभी बेस मॉडलों की प्राइसिंग नहीं बताई है, लेकिन उनके जो S मॉडल है जो कि सेकंड बेस है, उसी के साथ जो सेकंड टॉप G मॉडल है और V मॉडल है, उनकी प्राइसिंग बता दी है। यानी कि उनने कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उनका बेस मॉडल जो S मॉडल होगा, वो 15.11 लाख रुपीज़ एक शोरूम में वो कॉस्ट कर रहे हैं, और अपना जो आपको ये मिलती है ग्रैंड विटारा, इसमें टोटल आपको 6 वेरिएंट आते हैं, यानी कि सिग्मा, डेल्टा और उसके साथ जीटा, जीटा प्लस, अल्फा और अल्फा प्लस। लेकिन आपको यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ये जीटा प्लस से मिलता है, एक तरीके से एक वेरिएंट अबव मिलता है, यानी कि ज़्यादा फीचर्स के साथ है और लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख रुपये ऊपर प्लेस किया जाता है। तो हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं अगर टोयोटा का S वेरिएंट 15.11 लाख रुपीज़ में है, तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपये अगर आप ऊपर जाते हैं 15 लाख से, तो लगभग आपको मारुति की लाइनअप से 17.5 लाख की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्टार्टिंग होता हुआ दिखेगा जो कि जीटा प्लस होने वाला है। अब वो तो तभी आएगी जब प्राइसिंग मारुति रिवील करेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 20 लाख के सेगमेंट में आपको ओवरऑल सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपको एक सही वेरिएंट मिल जाएगा, ऑल ग्रिप भी ऑफर कर दिया जाएगा, और जो बेस वेरिएंट है वो तो 10 लाख से नीचे आ ही जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग डील बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, मिलता है ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी राय आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर हम और क्या बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।